आप उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए त्रय भक्त सिद्ध सुचर कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम मंगल पाणी उनके मिले, उनका आशीर्वाद से मिले, मंगल योजना सुनने उनका मंगल में मंत्र पर बरसे, इस भावना के साथ में आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ अर्पण करते हुए उनके चरणों में निवेदन करेंगे। जैसे हमने पूजन की है और बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हम पूजन शुरू कर रहे थे, उसके पूर्व ही आचार्य जी यहाँ पर आ चुके थे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, पूरे संघ की तरफ से आपको बारम्बार नमोस्तु। अब सभी भक्त लोग एक अर्घ लीजिए, आचार्य श्री के चरणों में अर्घ अर्पण करते हुए हम उनको चार लाइनों के साथ में सभा में बुलाएंगे। निज ज्ञान ध्यान लीन रहे सर्व गुरु राज, बाबा भी जिनका चक्षु ये कहते हैं श्री राज, पीछे कमंडल साथी जिनकी मन पहचान, हम अर्घ चढ़ा भक्ति से करते गुरु गुणगान, हम अर्घ चढ़ा भक्ति से करते गुरु गुणगान। जय 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 गुरु राज की, जय हो जय ऋषि राज की। ओम भीम परम्पराचार्य आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती प्रवर्तन वाचस्पति प्रवचन के श्री सूदी सागर महामुनिराज चरणेभ्यो अर्घ निर्पामति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, आपका शास्त्रीय कुशल मंगल है, आपका रत्नते कुशल मंगल है। नमोस्तु भगवान, अब आपके चरणों में हम चार पंक्तियों से तो की तरफ से निवेदन करते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। हम आचार्य श्री के चरणों से यह निवेदन करते हैं और सभी भक्त लोग गुरुवर की वाणी ध्यान से सुने और पता नहीं कौन सी शब्द गुरु के हमारे जीवन में कब काम आ जाए, इसी भावना के साथ में नमोस्तु करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री, आप हमें अपनी अमृतमय वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य जी, सुविधि शर्मा जी, गुरुदेव की जय। पूजा आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी, गुरुदेव की जय। ओम नमः, श्री महावीराय नमः, श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। धर्मात्मा हमारे अनु आचार्य गुप्ति नंदी महाराज लोक कल्याण की अभिलाषा लेते हुए एक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें परोक्ष रूप से हम लोग भी सम्मिलित हैं। विगत मार्च महीने से, मतलब एक वर्ष से अधिक काल हो गया, लगभग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकोप से अनेक लोग पीड़ित हुए हैं। हम लोग संपूज कानाम प्रतिपाल कानाम यतिंद्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञ करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः, इस तरह की जो शांति कामना करते हैं उसी का यह साकार रूप अनुष्ठान है। दो विशेष बातें जानने योग्य होती है कि नाम भले ही नया हो लेकिन ये श्वास रोग है, और चूंकि ये महामारी है तो अन्य महामारियों के प्रकोप को पूर्वज लोग जानते हैं। ऐसे समय में सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, समाज को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उन्हें उनका कर्तव्य का ज्ञान हो, वो कर्तव्य धार्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राष्ट्रीय रूप से हो, अतः इस मंच की आवश्यकता थी। उन्हीं को देख करके आज हम अपने विषय की प्ररूपणा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
ये सभी जानते हैं कि अभी तक कोरोना पर कोई औषधि विशेष नहीं निकली है। आयुर्वेद में इस विषय में जो कुछ जानकारियां हैं, उस जानकारियों के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि यदि व्यवस्थित मात्रा में शतावरी का चूर्ण लिया जाता है, आंवले का सेवन विधिवत किया जाता है, मुलेठी का पानी यदि लिया जाता है, तो ये रोग होने की संभावना लगभग नष्ट हो जाएगी। सरकार ने वैक्सीन का प्रयोग करने का उपदेश दिया है, अब उसकी प्रामाणिकता तो वही जान सकते जिन्होंने अंदर जाकर उसके सारी व्यवस्थाओं को देखा है। मैं उस विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन दो उपाय जो सामाजिक रूप से किया गया है, वो दो उपाय बड़े महत्वपूर्ण हैं। और वो दो उपाय है कि हम दूरी रखें, मतलब मनुष्यों में हो दूरी, और मास्क जरूरी। ये दो अगर उपाय ध्यान में रखते हैं तो भी इससे हमारी रक्षा हो सकती है, हमारी नहीं, हमारे सन्निधि में आने वाले अनेक लोगों की रक्षा हो सकती है। तो ये तो कोरोना संबंधित कुछ सामान्य बात हो गई। दो बातें जरूर मैं आज विशेष बताना चाहूंगा कि पेपर में, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों मीडिया ने एक भयपूर्ण वातावरण क्रिएट कर रखा है। आम आदमी घबराया हुआ है। भय रोग की वृद्धि का कारण है, इसको स्वेट मार्डन ने बहुत अच्छी तरह सिद्ध किया है। अतः हम सुरक्षा तो रखें, किंतु भयग्रस्त ना हो, क्योंकि भय के कारण से रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति की कमी होती है, और जब रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति की कमी होती है तो रोग शरीर पर हावी होता है। अतः भय का वातावरण मत बनने दो, अनावश्यक जन संपर्क से बचो। दिगंबर आचार्य ने बहुत पहले विविक्त शय्यासन तप की बात कही थी, हमने आज तक नहीं किया, तो ये समझ लीजिए हम विविक्त शय्यासन तप कर रहे हैं, जन संपर्क छोड़ रहे हैं। परस्पर में भी जो चर्चा हो, वो चर्चा कोरोना की ना हो करके धर्म ध्यान में ही हो, ताकि भय का वातावरण बने नहीं। जो हमारे पास समय निकल रहा है, क्योंकि व्यापार धंधे लगभग बंद पर है, इस कारण से हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं। जहां 8 घंटे 10 घंटे हम व्यापार कर रहे थे, वो सारा काम बंद हुआ। वो जो समय बच रहा है, जैसे गुप्ती नंदी महाराज ने विधान के माध्यम से 2 घंटे 3 घंटे धार्मिक अनुष्ठान कराया, हम बैठ करके स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, ध्यान पद्धति रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को शरीर में बढ़ाने में सबसे अधिक मदद करती है, मानसिक संतुलन को प्रदान करती है। जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति विकास को प्राप्त और मानसिक स्थिति दृढ़ है, उस पर इस मारी रोग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो समय का इस तरह सदुपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसी स्थिति हमारे श्रावकों की है, वैसी स्थिति हमारे साधुजनों की भी है। साधुजन प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी स्थान विशेष पर रुक करके अपनी साधना करे, अपने संयम की रक्षा करे और अपने शरीर की रक्षा करे। ऐसे समय में स्थानीय समाज उतना समर्थ हो, ये आवश्यक नहीं है। ऐसे समय में हम चाहे तो ऐसी मदद कर सकते हैं, जैसे मैंने चातुर्मास के पूर्व भी एक सूचना दी थी, जहां जो साधु है वो वहां रुक जाए और
कुछ भक्त परिवार मिल करके हम उन साधुओं की आहार की व्यवस्था व्यवस्थित करें और उनके अध्ययन की व्यवस्था बना दें। कुछ साधुओं तक ये व्यवस्था पहुंचाई गई है, तो ऐसे आपको लगता है आसपास में कोई साधु है उनको निवेदन कीजिएगा कि वो जहां है वहां रुक जाए जब तक ये प्रकोप शांत नहीं होता। जैसा भी हम निभाएंगे उनके संयम की रक्षा होगी और जितना जनसंपर्क कम होगा, जैसे अभी मेरे पास 2-3 सूचना आई थी कि कुछ साधुओं को हुआ है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो गृहस्थ तो तरह तरह के वैक्सीन वगैरह लगवा लेगा, साधु क्या करेगा। यहां जैसे हमने श्रावक समुदाय के मध्य में रहते हुए एक नियम बना दिया कि हमारे कमरे में कोई भी नहीं आएगा, बाहर से ही दर्शन करेंगे, कोई भी चरण नहीं छुएगा, हम किसी को पिंची नहीं लगाएंगे और आहार के समय मास्क रख करके ही श्रावक चौके में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। मास्क की जगह सोले के कपड़ा ही सुखा करके अलग से पट्टी बांध रहे हैं। सोले का ध्यान अपनी जगह है जो कि सैद्धांतिक है, लेकिन उसका प्रयोग करके ही आहार दे रहे हैं। तो जो भी हम साधु के साथ दूरी बना के रख सकते हैं उतनी बनावे, और दूरी बनाते समय भी ऐसा ना हो कि उनकी अव्यवस्थाएं बने। अतः व्यवस्था बनाने के लिए हमारे पास जो भी प्रभाव है, चाहे वो धन का प्रभाव है, तन का प्रभाव है, मन का प्रभाव है, ये जरूर कीजिएगा। और अपने कमरे में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके रोज भावना भाईगा ही प्रभु, संसार के जितने व्रती पुरुष भूत व्रत्यनुकंपा दान, ये जो भूत व्रत्यनुकंपा है इसमें दो है, भूतानुकंपा और व्रत्यनुकंपा। संसार के जो सर्व सामान्य जीव है उनको भूत कहते हैं और दया का नाम अनुकंपा है। तो भूतानुकंपा का अर्थ हो गया संसार के समस्त जीवों पर दया, और व्रत्यनुकंपा का अर्थ हो गया जिन्होंने अणुव्रत या महाव्रत ग्रहण किए उनके प्रति अनुकंपा। तो भूतानुकंपा और व्रत्यनुकंपा ये दोनों की दोनों सम्यक दर्शन के गुण है, क्योंकि प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा ये चार गुणों के द्वारा सम्यक दर्शन का प्रगटीकरण होता है, चिन्ह बाहरी। तो हम अनुकंपा का भावना भावे कि जहां जो साधु विराजमान है उनके रत्नत्रय की विघ्नता बनी रहे, और जो गृहस्थ लोग हैं वो भी इस कोरोना की पीड़ा से मुक्त हो। हम जिन्हें इष्ट मानते हैं, जिन भगवान की आराधना करते हैं उनका ही नाम लो, जैसे ओम रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, वर्धमान का मंत्र हुआ। मान लो वर्धमान मंत्र ना करके हम यदि आदिनाथ का करते तो ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जिसका भी हम जप करते हो, हम जप करते हुए निरंतर भावना भावे, क्योंकि साइंस अब ये सिद्ध कर चुका है कि जैसी भावना भाते हैं ठीक वैसे ओरा निकलता है, और जिस ओरे से जो जितना ओरा प्रसारित होता है उतने क्षेत्र में सुरक्षा होती है। तो हम ध्यान पद्धति का आलंबन करते हुए इनकी रक्षा करें, मन ही मन कामना करें कि संसार के सभी जीव सुखी हो। मेरे से एक प्रश्न किया गया कि महाराज हमारे मानने से कोई सुखी हो सकता है क्या, हमारी कामना करने से सुखी हो सकता है क्या। मैंने कहा भैया साइकोलॉजी पढ़ो या रेकी चिकित्सा पद्धति पढ़ो, आपको इसका पूरा ज्ञान होगा। मनोविज्ञान कहता है जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। वातावरण पर प्रभाव न पड़े ना पड़े चलिए वो दूसरी बात है, लेकिन मेरे सद्भावना का परिणाम मुझे तो प्राप्त होगा। मेरे परिणामों में विशुद्धता आएगी, संक्लेश की हानि होगी। अरे भाई संक्लेश की हानि और विशुद्धता की वृद्धि ये दो तो हमारे महत्व के धर्म है। शुभोपयोग का आचरण क्यों करना चाहिए इसकी व्यवस्था बताते समय जयसेन महाराज कहते हैं संसार स्थिति को स्तोक करने के लिए और विशुद्ध परिणामों की वृद्धि करने के लिए हम इन कार्यों को करते हैं। तो इतना स्पष्ट वर्णन जब हमें आगम में मिल रहा है तो हम सद्भावनाओं को करें
और ध्यान पद्धति के द्वारा जिन चीजों का वर्णन किया जा रहा है उसमें तो स्पष्ट है कि ध्यान के द्वारा जैसा हम ओरा बनाते हैं, ध्यान के द्वारा हम जैसा चिंतन करते हैं, परिवर्तन वैसा ही पाया जाता है पर्यावरण में। अतः हम घर में बैठ करके भी यह ध्यान रखें कि हम किसी साधु के स्वास्थ्य की कामना से, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि यदि कोई बीमार होता था तो समाज के या परिवार के लोग सारे मिलकर के उनके यहाँ पहुंचते थे और उन्हें सांत्वना देते थे। आज हम सांत्वना देने के लिए उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, हम जहां बैठे वहां से उनके प्रति सांत्वना के भावों को प्रेषित करें। ये भाव पहुंचते हैं, जिसे हम टेलोपैथी कहते हैं साइंस की भाषा में, ये भाव पहुंचते हैं और इन सद्भावों का प्रभाव, मतलब आपसे कह रहा हूं इस विषय में बहुत विस्तार से मैंने लिखा हुआ है स्वास्थ्य ही जीवन इस पुस्तक में। मैं यहाँ पर केवल छोटी सी बात बता रहा हूं कि भावना का प्रभाव किसी औषधि से ज्यादा होता है। मतलब एक कहावत है, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, अर्थात जहां पर हमारे औषधियां काम नहीं करती वहां पर हमारी सद्भावनाएं काम करती है। चूंकि हम जैन हैं, विश्व कल्याण की भावना सदैव अपने मन में रख करके ही हम अपना सारा अनुष्ठान करते हैं। हमारे प्रत्येक मन मानसिक कर्म में, वाचनिक कर्म में और कायिक कर्म में संसारवर्ती समस्त जीवों के कल्याण की भावना होती है और हम जानते हैं कि ये सर्व जीव मैत्री की भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनती है। तो ये भावना हम जितनी भा सके भाए, हमारे पास अर्थ दान करने की क्षमता नहीं है, कोई चिंता नहीं। यदि आप अर्थ दान करने में समर्थ हैं, तो जैसे आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वैसे आप एक साधु को संभालें। यदि 1500 आदमी तैयार हो जाते हैं तो हमारे पास केवल 1500 साधु है, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता एक साधु को हम संभालेंगे, उनकी औषधि की व्यवस्था, उनके आहार की व्यवस्था, उनके निर्तिचार चर्या की व्यवस्था हम संभालेंगे, क्योंकि अभी समाज एकत्र नहीं हो पा रहा है। कमेटी के सामने भी यही प्रसंग है कि महाराज को रोग तो ले, व्यवस्था कौन करेगा, उसके लिए लगने वाला अर्थभार कौन संभालेगा। कई साधुओं की जब हमारे से चर्चा होती, कहते महाराज ये हमारे पास असुविधाएं उत्पन्न हो रही है इस कोरोना कारण से, है साधु संघ भी इससे पीड़ित है, भले ही कोरोना नहीं हुआ हो लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के कई सारी दिक्कतें समाज को भी है, राष्ट्र को भी और साधु को भी है। तो हम यदि एक नियम करें कि हम एक साधु संभालेंगे, केवल 1500 आदमी चाहिए, एक साधु एक आदमी, एक परिवार एक साधु को संभाले। अरे हम इस परिस्थिति में अपने बेटे को संभाल रहे, अपने पोते को संभाल रहे, अपने परिवार को संभाल रहे, तो हमारे परिवार का एक सदस्य हमारा एक साधु ऐसा मान के चलो, और एक आदमी मतलब एक परिवार एक साधु को संभाले जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता और सुचारू रूप से विहार नहीं होता। उससे क्या होगा, किसी पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और साधुओं के भी संयम की रक्षा होगी। जिसने भी साधु के संयम में मदद की, हमारे गुरु महाराज कहते थे जो 200 पाव संयम की रक्षा में मदद करो, आपके संयम में स्वप्न में भी दूषण नहीं लगेगा, आपके मन में संयम की भावना कभी नष्ट नहीं होगी, निरंतर आपके मन में संयम की भावना का दीपक जलता रहेगा, क्योंकि आप संयमी से जुड़े हुए और इसी का नाम गुरु उपासती है। गुरु उपासना करने का अर्थ नहीं आर्घ्य देना, उनकी पूजा करना, उनके संयम की रक्षा करने के लिए हमारे द्वारा जो भी प्रयत्न किए जाते हैं, तन से मन से धन से जिससे भी प्रयत्न किया जाता है,
वो सारा की सारा गुरु उपास्ती है। वैयावृत्ति नाम के तप में भी कहा गया है व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनम च गुण रागात वैयावृत्यम यावानुपग्रहोन्योपि संयमिनाम। व्यापत्ति व्यपनोद विपत्ति आने पर संकट आने पर उसको दूर करना व्यपनोद करना यानी दूर करना। पदयो संवाहनम पैर आदि दबाना गुण रागात यावान जो कुछ भी आप करेंगे क्या करना है संयमी नाम उपग्रहो संयमी जीवों पर उपकार करने वाली जो भी क्रिया हम करेंगे जो भी विचार हम करेंगे जो भी वचनों का प्रयोग हम करेंगे वो सारा की सारा वैयावृत्त में आता है। और आप जानते हैं निशदिन वैयावृत्त करैया सो नियचे भवनीर तिरैया जो निशदिन वैयावृत्ति करता है वो भव समुद्र से अवश्य तिर जाता है। तो हम ये कार्य कर सकते हैं। हमें लगता है किसी क्षेत्र विशेष में साधु ठहरे हुए हैं। क्षेत्र का अर्थ तीर्थ क्षेत्र ही नहीं कह रहा हूं, गांव भी क्षेत्र का अर्थ बस्ती का आदि जहां भी साधु ठहरे हुए वहां पर किसी कारण से उनकी अव्यवस्था हो रही है तो उनकी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करो क्योंकि ये हमारे अनमोल रत्न है। दिगंबर समाज की पहचान है दिगंबर साधु, दिगंबर संस्कृति की शान है दिगंबर साधु। कहीं ऐसा ना हो जैसे अभी पुलक सागर जी के बारे में आया था कि भाई उनको रोग बताया गया कोरोना का, सुनने में कि आप काफी स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, हम तो कामना करते हैं वो निरंतर स्वस्थ रहे, लेकिन ऐसी परिस्थिति साधु के पास ना हो, दर्शन करने के भावातिरेक में जाकर के बिना हाथ धोए चरण स्पर्श करना, वैयावृत्ति के लिए बिना उनको हाथ वगैरह धोए जाकर के छू जाना, इत्यादि कार्यों से जितना दूर रह सके दूर रहो। यदि हमें अति निकट जाना है तो व्यवस्थित रूप से हाथ आदि धो लो, उसके बाद जाकर के ही चरण स्पर्श करो। तो जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही हम साधुओं की रक्षा कर पाएंगे। और केवल साधुओं की रक्षा नहीं करनी, अनावश्यक गमनागमन टालते हुए हम अपने परिवार की भी रक्षा करें, क्योंकि एक को हो गया उसको पता नहीं चला तो उसके निमित्त से दूसरे को होने की संभावना है, क्योंकि संसर्गजन्य रोग है। इससे बचने के लिए हम जितना सुविधाजनक रह सके उतना सुविधाजनक रहे। आवश्यक कार्यों के लिए जाना पड़े उसका तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन कम से कम गमनागमन टाले, साधुओं की सेवा में अपना मन लगाए, और जो हमारे पास अतिरिक्त समय मिला हुआ है इसको हम बजाय भय में और चिंता में निकाल के वी कथा में डालने के बजाय, रोग कथा भी वी कथा है क्योंकि पीड़ा चिंतन कथा है। तो ये आर्त ध्यान का पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान है रोग की पुनः पुनः चर्चा करना। तो रोग की पुनः पुनः चर्चा करने के स्थान पर हम बैठ करके स्वाध्याय करें, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करें, गुरुओं का नाम स्मरण करें, जिनेंद्र भगवान के नाम की माला जपे, स्तोत्र पाठ करें, और इन सब कार्यों को करते हुए हे भगवान ये रोग दूर हो, शीघ्रता से इस संसार में शांति फैले, सभी लोगों का भला हो, ये हम बहुत आराम से कामना करें जिससे कि हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, परिणामों की निर्मलता हो और घर बैठ करके ध्यान हो। अभी मुझसे कल ही प्रश्न किया गया कि महाराज यदि पुनः लॉकडाउन लगता है तो हम व्रत उपवास कैसे करें, कहा घर बैठो माँ जिनवानी की वंदना करके अपने व्रत उपवास करो। ये परिस्थिति है, जैसे पूर्व काल में युद्ध होते थे तो घर से बाहर जब आदमी नहीं निकल पाता था तो शास्त्रादि की वंदना करके अपने आवश्यकों की पूर्ति करता था। देव शास्त्र गुरु तीनों हमारे लिए आयतन है, तीनों हमारे लिए पूज्य है, तो आपको लगता है कि नहीं जा पा रहे तब तक तो जाओ, लेकिन जब जाने में असंभवता लगे तो बजाय धर्म ध्यान छोड़ने के माँ जिनवानी के सामने बैठ करके आप अपना धर्म ध्यान पूरा करें। मैं आचार्य श्री गुप्तेनंदी महाराज के इस कार्य की अनुशंसा करता हूं कि वे अपने चिंतन के द्वारा कोरोना महामारी से दो हाथ करने के लिए कटिबद्ध है,
और उसमें हम जैसे समस्त साधुओं को वो सम्मिलित होने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। अतः मैं उनका चिर ऋणी हूँ और उनके निमित्त से जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े उन सबको पुनः प्रेरणा देता हूँ कि हम सब मुनि भक्त हैं, हम लोग एक ही काम करें, एक साधु की व्यवस्था अपने पास स्वीकार कर ले। यदि एक साधु को हमने स्वीकार कर लिया तो सब साधु की रक्षा हो जाएगी। आज मात्र इतना ही। निरंतर मंगल भावना करते हुए ओम ह्रीम महावीर जिनेन्द्राय नमः का जाप कीजिएगा। आज इतना ही। ओम नमः। आचार्य श्री ने अपने मंगलमय आशीर्वचन के अंतर्गत बहुत ही सुंदर व्याख्यान हम सबको दिया है, किस प्रकार साधु सेवा करना है और कैसे अपने आप को पूर्ण रोग से दूर रखना है, सारा उपाय आचार्य श्री ने बताया है। आचार्य श्री ने जो संदेश दिया है, आप सभी उस संदेश को अपने आचरण में लाएं, अपने जीवन में अपनाएं, तो आचार्य श्री की वाणी सुनाना हमारे लिए सबके लिए सार्थक होगा। हम आचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव के